नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं विज़न नॉर्थ ईस्ट टीवी में। दिमाग़ों के लिए बहुत ही दुखद खबर, आप लोग उस खबर को लेकर अपडेट है, मुझे पता है। 24 सितंबर को दिमाग़ों में एक न्यूज़ वायरल हुआ था सोशल मीडिया में। उसके बाद उसका संज्ञान लेने के लिए दिमाग़ों में बहुत जल्दी फैला था एक वायरल न्यूज़। उसके बारे में थोड़ी सी बातें आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे। दिमाग़ों एक पहाड़ी इलाका होने के नाते यहाँ बहुत सारी जनजाति के लोग रहते हैं और इसी का कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गलत फ़ायदा लोग उठा लेते हैं। किम लार्सन आर्मी ऑफिसर की बीवी, जो मेजर की बीवी है, आर्मी के लोग होते हैं उन पे हम देशवासी बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और उनके भरोसे ही अपना देश सुरक्षित है और हम लोग बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस भी करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ अनोखे घटना घट जाती है, उसको लेकर फिर हमें बहुत ज़्यादा दुख मिलता है, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। इसी तरह का एक घटना हाफलोंग में घटा है जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। आज दिन भर में ये बहुत ज़्यादा वायरल न्यूज़ रहा आज दिन भर के लिए, लेकिन हम उसके बारे में आपको थोड़ी सी विस्तार में बताना चाहते हैं। एक लड़की है जो सोंगपीजान हाफलोंग के गाँव है, वहाँ से घरों में काम करने के लिए उसको प्रयोग में लाया गया था किम लार्सन नाम की एक आर्मी ऑफिसर की बीवी के द्वारा। पहले सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, सब कुछ सही था, लेकिन धीरे धीरे से उस औरत को उस लड़की के प्रति कुछ गलत भावना आने लगी और उसके वजह से उसने धीरे धीरे से उस लड़की के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। उसे कहा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा। हमारे देश में घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, लेकिन फिर भी उसको काबू करना हमारे जो कानून है उसमें अभी भी बहुत सारे प्रावधानों का चेंजेस करना अभी बाकी है। तो इसी तरह का घटना दिमाग़ों में भी घटा है और उस लड़की को बहुत ज़्यादा बर्बर अत्याचार किया गया, क्योंकि उसका उसके ऊपर गर्म दूध डाला गया, गर्म पानी डाला गया, उसके ऊपर आसपास में जो भी सामान उसको मिला उस औरत को उसने उसी से उसको प्रहार किया, उसको मारा, उसको पीटा, उसके ऊपर गर्म दूध डाला गया, तवे को गर्म करके उसको पीटा गया और शीशा तक उसको खाने के लिए दिया गया। कभी कभी तो ऐसा भी किया गया कि उसको नेकेड करके रात भर उसका वीडियो भी बनाया गया और नेक्स्ट दिन उसको फिर से काम में लगाया गया। इस तरह का बहुत सारा बर्बर अत्याचार उस लड़की के ऊपर हुआ और अंत किसी तरह से वो लड़की बचकर दिमाग़ों यानी हाफलोंग पहुंची और उसके बाद धीरे धीरे से इस बात का पता लोगों को चलने लगा और धीरे धीरे से ये बात आज पहुंची। इस संदर्भ में आज दिमाग़ों के एसपी ने क्या कहा, ये आपको सुना देते हैं। 24 सितंबर को सुबह में सोशल मीडिया के थ्रू सबसे पहले हम लोग को खबर मिला कि एक हाफलोंग के माइनर लड़की को बाहर ले करके डोमेस्टिक हेल्प के तरह ले जा करके रखा गया था और उसके साथ काफ़ी इनह्यूमन बिहेवियर हुआ है, उसके साथ अब्यूज़ हुआ है, टॉर्चर हुआ है। हम लोग इमीडिएटली इस चीज़ का कॉग्निजेंस लिए और इसमें इंक्वायरी लॉन्च किए। जो हस्बैंड है वो इंडियन आर्मी में मेजर है और उसकी वाइफ है, वो दोनों हिमाचल प्रदेश में पोस्टेड थे, जिस जगह का नाम है पालमपुर कैंट। तो वहाँ पे वो पोस्टेड थे और वहाँ पे इस बच्ची को लेकर के एज डोमेस्टिक हेल्प रखा गया था और उसके साथ ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ। तो जब हमको ये खबर मिला तो हमने साथ साथ में टीम भेजा, एक टीम गया जो विक्टिम का क्या कंडीशन है वो देखने गया और दूसरा जो है अक्यूज जो थी उनका इंटरोगेशन करने और उसको एग्जामिन करने के लिए गया। काफ़ी ग्रीवियस और सीरियस इंजुरीज उसके बॉडी पे मार्क्स मिला, बर्न मार्क है बॉडी पर, काफ़ी कट इंजुरी है, ब्रूजेज है, बर्न मार्क्स है, ब्रोकन नोज़ है, ब्रोकन टीथ है, टंग भी पूरा कट है। तो इस तरीके का ओवर अ पीरियड ऑफ 2 साल से वो वहाँ पर काम कर रही थी जहाँ पर उसको लेकर के गया था और ये जो इसका अब्यूज़ का जो सिलसिला है ये पिछले 1 साल से ये अब्यूजिंग उसका चल रहा था। लोगों ने हाफलोंग पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया, हाफलोंग पीएस केस नंबर 74/2023 अंडर सेक्शन 326, 374, 354, 506, 370, 34 IPC। तो इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, ग्रीवियस इंजरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब इसमें सेक्शन है, प्राइमरली क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इसके अलावा सेक्शन 12 ऑफ पॉक्सो एक्ट भी लगा क्योंकि एलिगेशन है कि उसको अनड्रेस करके उसका वीडियो भी लिया जाता था। सेक्शन 3 ऑफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, क्योंकि वो लड़की एक जो माइनर लड़की वो ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करती है, दोनों इसमें अक्यूज है, द अक्यूज कपल द आर्मी ऑफिसर एंड हिज वाइफ, दे वेर अरेस्टेड ऑन द नेक्स्ट डे 25 सितंबर को उनको अरेस्ट करके आफ्टर वी फाउंड सफिशियंट एविडेंस बोथ इन टर्म्स ऑफ विक्टिम ऑफ द स्टेटमेंट और दूसरा भी कोरोबोरेटिंग एविडेंस भी हमको मिला। उसके बाद
हमने उन लोग को अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। टॉर्चर करने का कारण, ये टॉर्चर करने का क्या कारण हो सकता है? टॉर्चर का तो कोई कारण ही नहीं है ना, वो तो एक मानसिक विकृति है मेरे हिसाब से जो ये टॉर्चर कर रहा है। इसका कोई छोटा मोटा किसी से कुछ काम कर रहा है, कुछ गलती हो गया उसके चलते इस तरीके का अगर करेगा तो दैट्स अ मेंटल प्रॉब्लम, उसका कोई रीजन नहीं है। अगर किसी को भी उनके गार्जियन को या आसपास के लोगों को ये ऐसा खबर मिलता है कि किसी के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है या इस तरीके का व्यवहार बर्ताव हो रहा है, तो इमीडिएटली आप जो भी अथॉरिटी हो, पुलिस स्टेशन हो या कोई एनजीओ हो या जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल हो, इस केस में तो सोशल मीडिया के थ्रू आया, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी आप इस जानकारी को बाहर लाइए और बताइए लोगों को। वरना ऐसे केस में क्या होता है कि जो विक्टिम होता है उसको हमेशा डरा के धमका के कोर्स करके रखा जाता है ताकि वो बाहर बोल ना पाए अपना बाद में। इस केस में भी ऐसा हुआ कि इतना लंबा चला, जो विक्टिम है उसका गार्जियन को भी ठीक से नहीं बताया गया कि क्या हो रहा है, पता भी नहीं चला, और अगर कभी उनको डाउट भी होता था तो डराया धमकाया जाता है या उसको इंड्यूस किया जाता है या थ्रेटन किया जाता है, तो कोई ओपनली पुलिस के पास या अथॉरिटीज़ के पास आता नहीं है। तो मेरा सभी लोगों से, दिमाग साहब के लोगों से अपील है कि आपके आसपास में जहाँ भी आपको जानकारी हो कि इस तरीके का कोई लोग बाहर काम कर रहा है और उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, प्लीज़ इमीडिएटली कोई भी अथॉरिटी को, अगर हो सके तो पुलिस को, थाने में आप आ करके ये जानकारी दीजिए और हम इस पर आगे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसे केसेस में छुपाना ही सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप ओपन अप करिए कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे साथ ऐसा इशू हो रहा है, तभी ये इस चीज़ को हम इस चीज़ का उपाय निकाल पाएंगे। दी महासव के एसपी ने इस बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बताया। इस तरह का जो केस है इससे पूरा एक देश शर्मिंदा होता है, जब खास करके आर्मी वाले के घर पे इस तरह का घटना घटता है। उस औरत के ऊपर जो जिस किम लर्सन नाम की जो औरत है, वो एक औरत नहीं कलंकिनी है जिसने पूरे महिला जाति को बदनाम किया है। हम इस न्यूज़ के माध्यम से आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि आप अगर आपके घर में बच्चियाँ हैं तो उसका ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आपके घर की बेटी कहीं पे भी या तो पढ़ाई करने गई होगी या तो काम करने गई होगी, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप उसका ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि देश में इस तरह का बार बार घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। विजन नोटिस टीवी आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग इस बात का ख्याल रखें और इस तरह का घटना दिमाग में ना हो, पूरे देश में ना हो, उसका भी हम उम्मीद करते हैं। विजन नोटिस टीवी देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।